फीदर आयन इंटरनेशनल स्कूल आपको लेकर चल रहे हैं। सभी पेरेंट्स जो है वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और अब पुलिस इन्हें बाहर की तरफ खदेड़ रही है। आप देख सकते हैं जो अभिभावक यहाँ आए हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश हो रही है और एक बार फिर से यहाँ पर गेट को बंद किया जा रहा है। लगातार सुबह से पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि जो टीचर्स हैं, जो स्कूल प्रशासन है, वो सामने आए, अपनी गलती स्वीकारे। ऐसा नहीं हुआ तो अचानक जो गुस्सा है वो स्कूल के गेट पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, गुरुग्राम। प्रतिमा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रतिमा, हमें बताइए वहां क्या हो रहा है इस वक्त? प्रतिमा, आप मुझे सुन पा रही हैं? देखिए ये तस्वीरें हम आपको तब तक दिखा दें। जबरदस्त गुस्सा और यहाँ पर ये गुरुग्राम का रायन इंटरनेशनल स्कूल का मेन गेट से अंदर लोग जाते हुए। जी प्रतिमा, गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल के बाहर की जहाँ पर बहुत देर से प्रदर्शन चल रहा था माता पिता का, जो कि लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि स्कूल प्रशासन सामने आए, क्योंकि कल हुआ है ये हादसा और अब तक स्कूल प्रशासन की ओर से एक बयान तक जारी नहीं किया गया है। और यहाँ पर अचानक इस गेट का ताला तोड़ दिया गया, इस गेट पर जंजीरें लगाई गई थी, ताला लगाया गया था, पुलिस फोर्स अंदर मौजूद है, लेकिन गुस्सा आखिरकार पेरेंट्स का फूट गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आक्रामक हो चुके हैं अभिभावक, जो कि लगातार अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अंदर आप किसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जब बच्चे सुरक्षित नहीं है, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, अब बच्चा मर गया है तो सुरक्षा आखिरकार किसे प्रदान की जा रही है? स्कूल प्रशासन से कोई यहाँ है नहीं, पूरे स्कूल पर ताला जड़ा हुआ है, तो ऐसे में सुरक्षा दी किसे जा रही है? कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, गुरुग्राम। तो आपको बता दें स्कूल का जो मेन गेट है उसको, उसका ताला तोड़ दिया गया है और आप देख सकते हैं वहां पर नारेबाजी हो रही है, स्कूल के खिलाफ नारेबाजी। प्रतिमा, क्या आपकी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रतिमा, देखिए वहां पर जबरदस्त गुस्सा फूट रहा है, अभी जबरदस्त भीड़ वहां पर हो रही है, नारेबाजी देखिए आप, मतलब हालात बेकाबू होते हुए क्या इसके लिए अभिभावकों को आप किसी भी तरह जिम्मेदार ठहराएंगे? जो सुबह से खड़े हुए हैं यहां पर कल की घटना होने के बाद से, बस वही खड़े नजर आ रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई नहीं खड़ा नजर आ रहा, वो है और स्कूल की पता नहीं सुरक्षा करने के लिए पुलिस वाले वहां खड़े हैं, उस स्कूल की सुरक्षा जो अपने एक छात्र प्रद्युमन की सुरक्षा नहीं कर पाया और गुस्सा फूटा है। अब ये मेन गेट आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल का, और हाई हाई के जबरदस्त नारे यहां लगते हुए। स्कूल के बाहर का माहौल पूरी तरीके से आक्रामक हो चुका है। पेरेंट्स सुबह से मांग कर रहे हैं कि स्कूल प्रशासन सामने आए, जवाब दे आखिरकार उनके बच्चे यहाँ कितने सुरक्षित हैं। ये तो नहीं हुआ, सेकंड सैटरडे के नाम पर स्कूल पर ताला जड़ा गया है और यहाँ पर काफी भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, लाठी डंडा लेके पुलिस वाले आ चुके हैं और यहाँ पूरी तैयारी है कि जो भी सामने आएगा उसे लाठी डंडों से भुना जाएगा। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर पुलिस के लोग जो है वो मौके पर आ चुके हैं, सबके पास लाठियां हैं यहाँ पर, और ये लोग लगातार पेरेंट्स को मनाने की, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स हैं कि सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके सवाल भी वाजिब हैं कि आखिरकार वो अपने बच्चे को क्या सोचकर स्कूल भेजे। वो तो ये सोचकर स्कूल भेज रहे हैं अपने बच्चों की उन्हें शिक्षा मिलेगी, लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं तो लौट कर वापस नहीं आते, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर देखिए मनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर देख सकते हैं भारी पुलिस बल है जो कि अभिभावकों को मनाने की कोशिश भी कर रहा है, और लेकिन यहाँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं। गुस्सा जो है वो साफ तौर पर आप लोगों के अंदर देख सकते हैं और इनका लगातार सवाल यही है कि बच्चे पेरेंट्स के मर रहे हैं तो सुरक्षा फिर किसे दी जा रही। कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, गुरुग्राम। हम प्रतिभा को लाइव करने की भी कोशिश करेंगे हमारे साथ, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब अपने ही बच्चे को जिंदा रखने के लिए अभिभावकों को लाठियां खानी पड़ेंगी? यहां पर देखिए जबरदस्त गुस्सा फूटा है। मेन गेट को तोड़ करके आपको बता दें, और प्रतिमा को हम लगातार अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिमा जो ठीक रायन इंटरनेशनल स्कूल के गेट के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर देखिए किस तरह की स्थिति हो गई है। ये अभिभावकों का गुस्सा अपने बच्चों के लिए चिंता है, 7 साल के प्रद्युमन की इसी स्कूल के भीतर जिस तरह से हत्या हुई है, उसके बाद इन अभिभावकों को अपने सवाल का जवाब चाहिए कि सबसे सुरक्षित जगह स्कूल पर भी क्या इनका बच्चा सुरक्षित नहीं है? यहाँ पर पुलिस वाले लाठी डंडों के साथ मौजूद हैं, अभिभावकों को मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मेन गेट के ताले को तोड़ा गया है और आप देख सकते हैं स्थिति यहाँ पर किस तरह की है। वो लगातार आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं अभिभावकों को पीछे रखा जाए, लेकिन देखिए यहाँ सवाल यह है कि सरकार कहाँ है, इस प्रदेश का शिक्षा विभाग है कि नहीं, और अगर शिक्षा मंत्रालय है तो कोई तो आए यहाँ पर। क्या ये अभिभावक अपने बच्चों की लड़ाई यूं अकेले ही लड़ते रहेंगे? क्या इन्हें सुनने वाला इस प्रदेश में कोई नहीं है?
हम लगातार प्रतिमा के पास जाने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ वो लाइव जुड़े, वो यहीं पर इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। इन तस्वीरों को जो आप देख रहे हैं इससे आप अंदाजा लगाइए कि प्रद्युमन की जिस तरह से हत्या हुई है वो सिर्फ प्रद्युमन के परिवार तक ही सीमित नहीं है, उसे हर माँ बाप, देश का आज हर इंसान अपने परिवार के साथ जोड़कर देख रहा है। धक्का मुक्की बहुत जबरदस्त होती हुई अभिभावकों को बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश वो सिक्योरिटी वाले लोग कर रहे हैं, जिसमें से अगर एक या दो लोग भी कल मौजूद होते तो शायद प्रद्युमन, मासूम प्रद्युमन की हत्या नहीं होती। प्रद्युमन को इंसाफ चाहिए, उसके परिवार को इंसाफ चाहिए, और यहाँ पर परिवार जो कि गमगीन है, परिवार की तरफ से लड़ाई लड़ता हुआ हर वो अभिभावक जो इस घटना से सन्न है। आप देख रहे हैं ये रायन इंटरनेशनल स्कूल का मेन गेट है और इस मेन गेट पे ताला लगा था जिसको तोड़ करके अंदर घुसने की कोशिश। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा सीधे रायन इंटरनेशनल स्कूल के पास से ही जुड़ गई है। प्रतिमा, ताजा हाल बताइए, इस वक्त वहां क्या हो रहा है? नेहा, ये प्रद्युमन के चाचा है, इनकी अभी अभी विधायक से, स्थानीय विधायक से कुछ बात हुई है, ये बात करना चाहते हैं, क्या बात हुई आपकी? देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि कल से लेकर आज तक विधायक जी एक बार भी हमारी सुध लेने के लिए नहीं आए हैं, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हैं। ठीक है, इनका जो ऑफिस है यहाँ से 2 कदम की दूरी पे है। आज सुबह मैंने इनको कई बार फोन भी करा, इसके बाद भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया। क्या कहा? जब हमने आज तक पे आकर के हमने इनको के बारे में कहा, तब जाकर के ये उठ के आए हैं। इन्होंने हमें सांत्वना दी कि आप एक बार 20-25 लोग आ जाइए, मीटिंग करते हैं और फिर हम एक्शन लेंगे। हमने इनके साथ वही 3 मांग रखा है कि इस स्कूल को बंद करा जाए, स्कूल के डायरेक्टर को अरेस्ट करा जाए और CBI जांच होनी चाहिए। इन्होंने हमें ये कह के यहाँ से चले गए कि इस सब काम होने में टाइम लगेगा, इस सब काम को होने में 10-15 दिन लगेगा, आप लोग डेड बॉडी को जला दीजिए। प्रशासन बार बार हमारे ऊपर में लाठी डंडा चार्ज करने की कोशिश कर रहा है और प्रशासन हमें 2-4 लोगों को जो हम आवाज उठा रहे हैं उनको टारगेट कर रहा है। हो सकता है प्रशासन हमें अरेस्ट भी करेगा, लाठी डंडा से मारेगा भी, गोली भी चला सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ हम कोई आतंकवादी नहीं है, फिर भी यहाँ पे कमांडो को बुला लिया गया है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आपके प्रधानमंत्री रहते हुए भी हमें अगर कमांडो से अटैक करवाना है, हमारे ऊपर में गोली चलवाना है, तो फिर तो आप जैसे, हमें लालच है आप जैसे प्रधानमंत्री पे, जो कल से मैं ट्विटर पे आपको कई बार फॉलो किया हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है आपके। ये बड़ा सवाल हम भी खड़ा कर रहे हैं लगातार। नेहा, एबीपी न्यूज भी कह रहा है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, मात्र 7 साल का बच्चा स्कूल आता है पढ़ने के लिए और वहाँ उसकी लाश मिलती है, लेकिन किसी नेता ने मुंह तक नहीं खोला, ट्विटर पर एक चीज नहीं आई। और यहाँ पर आप देखिए, ये महिलाएं जो है गेट खोलने की कोशिश कर रही है। ये महिला आपने सुबह देखा था जहाँ पर ज्योति ठाकुर, हम बच्चे की माँ से बात करते हैं, महिला वही मौजूद थी जो की आप यहाँ आ गई है, स्कूल आ गई है, और ये भी लगातार मांग कर रही है की किस बात की सुरक्षा स्कूल को दी जा रही है, स्कूल की इमारत को दी जा रही है। आप लोग इधर आ गए, क्या ज्योति भी यहीं आई है? क्या ज्योति जी यहाँ आई है? ज्योति जी यहाँ आई है? नहीं, ज्योति जी नहीं आई है। उनकी क्या हालत है? बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। वो किसी को जवाब देने लायक नहीं है, वो किसी को जवाब देने की हालत में नहीं है। हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हम पे लाठी चार्ज और हमारे को भगाया जा रहा है। स्कूल के बाहर की तस्वीरें देखिए पहले आप, ये स्कूल के बाहर का हाल है। यहाँ पर महिलाएं जो है वो लोहा ले रही हैं, लेकिन उनको लड़ने नहीं दिया जा रहा, आवाज नहीं उठाने दी जा रही है। यहाँ पर ये हालात पैदा कर दिए गए हैं। जो पुलिस है उन्होंने अभी ये यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं इनको खदेड़ा और कुछ देर बाद इन्हें गेट के बाहर करके एक बार फिर से गेट में ताला जड़ दिया गया है। नेहा, प्रतिमा, ये बताइए वहाँ पर ये जो पुलिस वाले हैं ये कह क्या रहे हैं इन लोगों से? इन्हें बाहर की तरफ धकेल रहे हैं, कह क्या रहे हैं? उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं नेहा, बस उनको कहा जा रहा है कि आप बाहर रहिए, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ मत कीजिए, केवल यही कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि वो माँ बाप जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो आखिरकार सवाल करें तो करें किससे? जो इलाके के विधायक है वो एक दिन बाद यहाँ पर आते हैं और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। स्कूल प्रशासन ने यहाँ ताला लगा रखा है तो उनके पास कोई जवाबदेही नहीं है, तो आखिरकार जब पेरेंट्स यहाँ आएंगे तो उनके पास बात करने के लिए यही लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, अंदर जाने की कोशिश की जा रही है, उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले हमें भगा रहे हैं, हमें हटा रहे हैं, हमें लाठी चार्ज करना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बोले अंदर चला, भागो भागो भागो, हम किस लिए? मैं कह रहे अरेस्ट करने, हमें यहाँ से बस इस भीड़ को खत्म करना चाहते हैं, ये चाहते हैं बस, ये प्रोटेस्ट
शांतिपूर्वक चाह रही है, ये विध्वंसक चाहते हैं इस प्रोटेस्ट को। सुबह से कल से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं, कोई कुछ भी नुकसान नहीं कर रहा है, ना पब्लिक प्रॉपर्टी को ना गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को। फिर भी प्रशासन पब्लिक की डिमांड क्यों नहीं सुना? सभी पहले आप गेट की तस्वीरें देखें, यहाँ पर कितना भारी सुरक्षा बल यहाँ पर लगाया गया है, जैसे कोई गुंडे आए हो यहाँ पर, कुछ ऐसी तस्वीर क्रिएट कर दी गई। ये सब माँ बाप है, नेहा माँ बाप है, और इनका वाजिब है सवाल करना प्रशासन से कि आखिरकार वो स्कूल में, जिस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहा है, वहाँ उनको सुरक्षा नहीं मिल रही। स्कूल को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा, स्कूल को मिल रहा है, स्कूल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनको पैसा चढ़ गया है, पुलिस वालों को पैसा चढ़ गया। हरियाणा पुलिस हाय हाय, हरियाणा पुलिस हाय हाय। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ, जहाँ पर हरियाणा पुलिस हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, सरकार को कोसा जा रहा है, स्कूल प्रशासन को कोसा जा रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। अब हमने निर्णय लिया है, अब हमने निर्णय लिया है कि जैसा कि प्रशासन ने अभी तक कुछ कदम नहीं उठाया, तो अब हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं, हम हाईवे जाम करेंगे, और आई एम श्योर कि पुलिस हमारे पर लाठीचार्ज करेगी। प्लीज आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। प्रद्युमन के चाचा है, ये प्रद्युमन के चाचा है जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोग आप सामने हाईवे है जो सोना रोड हाईवे है उसको जाम करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इनको कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुध नहीं ले रहा है, ना पुलिस ना ही स्कूल प्रशासन। तो ऐसे में इन लोगों ने अब निर्णय लिया है कि ये लोग हाईवे की तरफ जाएंगे, और ये लोग इसलिए भी तैयार है कि अगर इन पर लाठीचार्ज भी होगा, इनको अगर गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, तो भी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। नेहा प्रतिमा, ये बताइए वहाँ कितने लोग इस वक्त मौजूद है, लगभग कितने लोग मौजूद होंगे वहाँ? यहाँ मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दिया। प्रतिमा मैं फिर से दोहराऊंगी, वहाँ पर आपके आसपास कितने लोगों को आप देख पा रही हैं? प्रतिमा कम से कम 1000 लोग यहाँ पर है, आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ स्कूल के आसपास तो आपको कम लोग दिखाई दे रहे हैं। रोड पर भी 500 लोग जो है, कम से कम 500 लोग जो है वो रोड की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो वहाँ से पुलिस का जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आधे से ज्यादा परिजन यहाँ पर है, तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर है, और सुबह से है नेहा कोई हटने को तैयार नहीं है, और सब लोग यही कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने को तैयार नहीं है, और बच्चे भी यहाँ पर आने को तैयार नहीं है, क्योंकि दिमागी तौर पर उन पर जो असर पड़ा है, वो पेरेंट्स को भी इतना समय लगेगा अपने बच्चों को समझाने के लिए कि क्या सही है क्या गलत और क्या हुआ है। नेहा अच्छा प्रतिमा, ये भी बताइए, ये जो रायन इंटरनेशनल स्कूल का मेन गेट है जिसके ताले को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश हो रही थी, अभी वहाँ पर क्या स्थिति है? क्या गेट एक बार फिर से अभिभावकों के लिए बंद कर दिया गया है? ये तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा दूं, गेट में फिर से ताला लगा दिया गया है, और यहाँ पर आप पुलिस बल देखिए, यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी है, पुरुष भी है, और यहाँ पर यही ताला तोड़ा गया था। ये जो जंजीर आप देख रहे हैं, ये 3 फोल्ड में जंजीर लगाई गई थी, ताला था, और उसको धक्का मारकर पेरेंट्स ने खोला था। एक बार फिर से यहाँ पर ताला जड़ दिया गया है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर, और गेट पर पूरी सुरक्षा दी जा रही है कि कहीं गेट से अंदर कोई ना जाए, जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना हो जाए। और पेरेंट्स कह रहे हैं उनको उनका गुनाह समझ में नहीं आ रहा, वो तो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर सवाल पूछने के लिए आए कि आखिरकार हमारे बच्चे यहाँ क्यों आए, और अगर वो आते हैं तो उनको सुरक्षा कौन देगा? लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है, गेट को कड़ी सुरक्षा दी जा रही है। नेहा यहाँ प्रतिमा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कई अभिभावक हैं और कई महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते होंगे। यहाँ तो खट्टर सरकार है, एक शिक्षा मंत्रालय है, तो वो सब क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आप लोगों के अंदर क्या भरोसा है स्कूल भेजने को लेकर? बच्चों को भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है स्कूल भेजने को, कोई नहीं है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप लोग क्या मांग करेंगे? मैम स्कूल में बच्चों को बुला के मारा गया है, और उसके बाद रिसेप्शन वाली संगीता बोली है कि कुछ भी नहीं हुआ है मैम, कुछ भी नहीं हुआ। हम बोले मैम आपका स्कूल में मर्डर हो गया, आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? बोले ये नहीं। बोले जल्दी करो पेरेंट्स को पहले इन्फॉर्म, और पूछो छुट्टी का क्या टाइम है? बोली 12। ये क्या होता है 12? बच्चे का मर्डर हो गया और 12 बजे छुट्टी का? मर्डर के बाद पूरा दिन स्कूल चलता रहा, लंच हुआ, बच्चा सबको सब कुछ हुआ। वो बच्चा इतना डिसिप्लिन में रहता था, जो यहाँ से एंट्री करता था डायरेक्ट क्लास में जाकर ही बैठता था वो बच्चा, कल वो क्लास में भी नहीं जा पाया। समझ आइए रिसेप्शन पर मेरा बेटा मोहन थ्री में पढ़ता है, हमको गेट पे ही कल रोक लिया गया, अंदर नहीं जाने दिया गया है।
जबकि क्लास तक छोड़ते थे, क्लास के बाद आते थे छोड़ के। सर जो है ये गुस्सा फूट रहा है स्कूल प्रशासन के खिलाफ। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रद्युमन एक बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था, अगर उसके पिता उसको स्कूल छोड़ते थे तो वो सीधा क्लासरूम में जाता था, लेकिन उस दिन जब वो क्लासरूम में नहीं पहुंचा तो उसके पीछे क्या वजह रही होगी, वो सीधा क्लासरूम में न जाके पहले वॉशरूम में क्यों गया। कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं और इस थ्योरी पर कोई भी माँ बाप विश्वास करने को यहाँ तो तैयार नहीं है। नेहा सबका ये कहना है कि कंडक्टर को बलि का बकरा मात्र बनाया जा रहा है, उनके मुताबिक स्कूल प्रशासन इसके पीछे लीपापोती कर रहा है, जिम्मेदार जरूर है। क्या कहना चाहिए? हमारे बच्चे डरे हुए हैं, वो हमें कहते हैं जी पापा जो उसके साथ प्रदूषण के साथ वो हमारे साथ तो नहीं होगा, स्कूल आने के लिए तैयार नहीं है वो, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जितने प्राइवेट स्कूल है ना सभी के सभी बंद हो और सरकारी स्कूल को आगे लेके आए ताकि सरकारी स्कूलों में सुरक्षा हो, बच्चे जाएं। अब कल सुबह से हमारे बच्चे डरे हुए हैं, बोले हम नहीं जाएंगे स्कूल में, एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा रहे वो। प्रतिमा इनसे जरा पूछिए खट्टर सरकार से इन अभिभावकों की क्या मांग है? स्कूल भेजना चाहेंगे? स्कूल नहीं आएंगे यहाँ पर क्या, सिर्फ फीस का खट्टर सरकार से कोई उम्मीद आपकी? सरकार निकम्मी सरकार है, ऐसा राम रहीम साथ हुआ, अब ये बच्चों को मरवा रहा खट्टर सरकार। इसको ये नहीं है कि जो काम हुआ उसकी सीपे जांचो, एक गरीब को फंसा दिया, झूठा फंसा दिया, क्या कर दिया भगवान जाने, पर इन्होंने जो काम किया है खट्टर सरकार, ये होना चाहिए कि स्कूल में सरकार से लग रहा है कुछ कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी, कर तो रही है, आपको दिख रहा है सामने पुलिस, खट्टर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, हमारी सपोर्ट में पुलिस वाले नहीं है, कोई सूद लेने नहीं आया। कोई देखिए सुनिए, हमारे विधायक जी का यहाँ से 100 मीटर पे ऑफिस है, वो आ जाए। आज वो इस समय 11:30 बज रहे हैं, आधा घंटा पहले वो भी 20 बार पेरेंट्स ने फोन किया उनको, तब जाके जब उन्होंने न्यूज देखी है, जब उनको बोला जा रहा है कि नहीं पहुंचे तब वो पहुंचे हैं, और प्रशासन के साथ ही मिलकर कह रहे हैं 21 की कमेटी बनाओ। आप बताओ भीड़ में कभी कमेटी बन सकती है? कभी नहीं कमेटी बनेगी, जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं जिस यहाँ पे चाहे यहाँ DPS खट्टर सरकार से आप लोगों को कोई उम्मीद? जो दोषी है वो सामने आए, सरकार कोई भी हो सभी सरकार एक जैसी होती है। विधायक जी आगे सारी फोटो मोदी जी की राजनीति की लगी हुई है, खट्टर उनके तो आदमी है, वो काम स्कूल ही बीजेपी का है, इसलिए तो बचा हुआ बचाइए, नहीं होता कब तक पुलिस आती सबको अरेस्ट करती, सारा प्रदेश बाहर हुआ है, अपराधों का विकास हो रहा है, स्कूल पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ना कोई मंत्री ना कोई MLA, यहाँ के विकास कार्य बजाय अपराधों का विकास हो रहा है, प्रतिदिन यहाँ पे कोई ना कोई घटना अंजाम देती है, दो तीन महीने पहले एक बच्चा पानी में डूब कर मरा था, वो सब घटना आपको पता है, लेकिन कोई नकल इन पर नहीं होनी चाहिए। यानी नेहा इनके मुताबिक खट्टर सरकार यहाँ भी खटारा साबित हुई है, क्योंकि कोई आश्वासन इनको नहीं मिल रहा है, कोई उम्मीद भी नहीं है इन माँ बाप को सरकार से। उनका कहना है सभी सरकारें एक तरह की है, सब आते हैं सत्ता में वोट मांगते हैं, लेकिन जब बात आती है परेशानी की, जब जनता परेशान होती है तो कोई सुध लेने तक नहीं आता नेता। प्रतिमा ये बताइए यहाँ पे कई लोग आपके साथ मौजूद हैं, अब यहां से क्या, यहां पे तो पुलिस इन्हें स्कूल के अंदर नहीं जाने दे रही, तो अब अभिभावक आगे क्या करेंगे? आप लोगों से एक मिनट एक एक करके ये बताइए आप लोग आगे क्या करने की सोच रहे, क्योंकि यहाँ तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, ना स्कूल प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ, हम रोड जाएंगे, यही रहेंगे, हमें CBI जांच चाहिए और स्कूल बंद हो। अभी आप लोग क्या करेंगे? आप तो क्यों काम करेंगे, खट्टर इस बंदे को फंसाया जा रहा है, इसमें सारी स्कूल की चाल है, स्कूल को बचाने के लिए उसको फंसाया गया है ना, वो सामने आना चाहिए, बस सीधी बात यही है। आप लोग, मैं ये जानना चाहती हूँ कि चूंकि आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने अंदर जाने की भी कोशिश की वो नाकाम रही, स्कूल प्रशासन यहाँ है नहीं, तो आप लोग आखिरकार करेंगे क्या यहाँ? हमने अंदर जाने की कोशिश की, गेट के अंदर तक हम गए थे, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से कोई लाठीचार्ज नहीं किया। तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक और ताला लग रहा है ऊपर, आइए आप इधर आइए। हाँ बोलिए आप। मैं इस गेट तक पहुंच गया था, पुलिस ने अपनी तरफ से कोई लाठीचार्ज नहीं किया, पुलिस ने सिर्फ पब्लिक को थोड़ा सा दूर किया था, किसी भी भाई को कोई लाठी नहीं लगी, गलत इन्फॉर्मेशन गुड़गांव पुलिस की छवि को खराब करने के लिए दी जा रही है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हाथ जोड़ के बात। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ, चलिए आपके हिसाब से पुलिस ने कुछ नहीं किया, हम ये कह रहे हैं आप पेरेंट्स के नाते यहाँ पर आए, आप लोग मांग क्या कर रहे हैं, आप लोग चाहते क्या? मैं बताता हूँ, मैं मांग ये कर रहा हूँ, जिस तरह से हमारे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाता है, इसी तरह स्कूल सिक्योरिटी का, स्कूल सेफ्टी का रिपोर्ट कार्ड हर पेरेंट्स के पास होना चाहिए कि आपके स्कूल में कितने कैमरे लगे हैं, कितने वर्किंग में हैं, आपके यहाँ पे फायर इंस्ट्रूमेंट, जो फायर के लिए सेफ्टी सेफ्टी सिक्योरिटी की मांग लगातार यहाँ पर माता पिता कर रहे हैं, और इनका साफ तौर पर नेहा ये कह रहे हैं कि बातों से ये साफ है कि अभी ये हटने को यहाँ से बिल्कुल तैयार नहीं है, और ज्यादातर अभिभावकों का यही मानना है कि कंडक्टर को बेवजह फंसाया जा रहा है ताकि स्कूल जो है वो इस सारे इल्जाम से बच सके। नेहा जी, प्रतिमा आप लगातार वहाँ मौजूद लोगों से बात कर रही है, हमें ये भी बताइए क्या वहाँ पर हालात अभी कुछ संभल पाए हैं, बीच में गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश हुई थी, क्या अभी हालात थोड़े काबू में है या स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है रायन इंटरनेशनल स्कूल पर?
स्थिति तो अभी भी तनावपूर्ण ही है नेहा। यहाँ लोग कुछ कम हो गए क्योंकि वो लोग मेन रोड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पर सोना गुड़गांव जो ये रोड है, मेन हाईवे है, उसे जाम करने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ की अगर बात करें तो ये देखिए, एक बार जिस गेट को खोला गया था वहां पर अब दो ताले लगाकर सिक्योरिटी को और पुख्ता कर दिया गया, ताकि इस बार कोशिश हो तो ताला वो भी ना टूट पाए। यहाँ पर नीचे जो ताला लगा था उसे अभिभावकों ने तोड़ दिया, तो उसके बाद ऊपर एक और चेन लगाकर ताला जड़ दिया गया है ताकि ये लोग अंदर ना जा सके। और यहाँ पर जो अभिभावक है वो हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनको किसी बात की गारंटी नहीं मिलती, इंसाफ नहीं मिलता, सीबीआई इंक्वायरी की भी ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो माता पिता जिस हालत में नहीं है कि सड़क पर आ सके, प्रदर्शन कर सके, लेकिन उन माँ बाप का दर्द, इन माँ बाप का भी दर्द है क्योंकि ये भी अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं। नेहा जी, प्रतिमा आप लगातार यहाँ से रिपोर्टिंग कर रही हैं, ये जो दो दो ताले जड़े गए हैं रायन इंटरनेशनल स्कूल के गेट पर, अंदर क्या प्रिंसिपल मौजूद हैं? क्या अंदर स्कूल के लोग मौजूद हैं? सिक्योरिटी के अलावा यहाँ पर हमें मैनेजमेंट का कोई शख्स नहीं मिला है। जानकारी ये भी मिली है कि सेकंड सैटरडे के चलते स्कूल में बच्चे तो नहीं आते, इतना बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट अंदर शायद नहीं मौजूद है। हो सकता है एक आध लोग हों, क्योंकि यहाँ पर लगातार एसडीएम वगैरह पहुंच रहे हैं जो कि अंदर जाते हैं, कुछ देर वहाँ मीटिंग्स होती हैं, वो बाहर आते हैं, एक बाइट देकर औपचारिकता जो है उसे पूरी कर दिया जाता है, लेकिन सही सही जवाब कोई नहीं दे रहा है कि अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ तहकीकात में मिला है, क्या स्कूल को भी अंडर स्कैनर लिया जा रहा है या नहीं है। सिर्फ एक तरीके से, एक एंगल से जांच हो रही है कि कंडक्टर ने जो कि कह दिया है कि मुझसे गलती हो गई, तो गलती शायद उसी की है। क्या इस एंगल को भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया भी है या नहीं, जो माँ बाप लगातार कह रहे हैं, बाकी अभिभावक कह रहे हैं कि जिस वॉशरूम में पेरेंट्स तक कभी स्कूल के अंदर नहीं जा पाए, वहाँ एक कंडक्टर जाता है, यौन शोषण की कोशिश करता है और उसके बाद गला रेत कर वहाँ से फरार हो जाता है। तो ये तमाम सवाल यहाँ पर लगातार अभिभावक उठा रहे हैं। नेहा जी, प्रतिमा इसके अलावा वहां मौजूद लोगों से जरा पूछिए कि बस कंडक्टर ने तो खुद एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उसने गलत काम किया है, लेकिन आखिर अभिभावक और वहां पर जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आप लोग जैसे जो ये है, जो आरोपी है बस कंडक्टर, उसने ये कहा है कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने ये काम किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप लोग लगातार कह रहे हैं ऐसा नहीं है? क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैम लगातार कह रहे हैं कि स्कूल अपना बचाव कर रही है, बलि का बकरा बना रही है, उसको उसका नहीं है। हमें पक्की मैम, हम ये कि प्रिंसिपल अरेस्ट हो, यहाँ पे जितना स्टाफ अरेस्ट हो और जब सच्चाई निकले, जब हमें इंसाफ मिले हमें। आखिर क्यों क्यों नहीं मान रहे आप लोग कि कंडक्टर ने ऐसा कुछ किया? वो खुद बीमार है, हैंडीकैप है, 42 साल का आदमी, बताओ ये काम करेगा? ये सब मैम, ये बच्चे को भड़का, बच्चे के खिलाफ स्कूल अपना सेफ्टी कर रही है और ये हम पक्का 100 में से 100% मानते हैं कि उसने नहीं किया है। आप भी मान रहे हैं कि कंडक्टर की गलती नहीं है, फंसाया जा रहा है? उसके कुछ तथ्य हैं। एक्चुअली ये जो वारदात हुई है वो एक घंटे के अंदर हुई है, आधे घंटे के अंदर हुई है। और कंडक्टर मतलब इस प्लानिंग से आया था कि वो जेब में चाकू लेकर आया, उस लड़के के जस्ट उसके पीछे गया, तो ये एक डाउट का विषय है जिसकी कि अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। पब्लिक में ये र्यूमर है कि मतलब र्यूमर तो फैलाया जा रहा है कि इस कंडक्टर ने ही किया ये काम, तो ये पब्लिक में ये डाउट है। आप लोग अभिभावक है, क्या मान रहे हैं, सच्चाई क्या लग रही है आपको? हम तो ये मान रहे हैं कि सच्चाई बाहर निकल गया, सीबीआई जांच हो इसकी सबसे, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। सीबीआई जांच से कम में ये लोग मानने को तैयार नहीं। इनका साफ तौर पर कहना है कि लीपापोती इस मामले में ना हो, ऐसे में जरूरी है कि ये इंक्वायरी जो है सीबीआई द्वारा कराई जाए। यहाँ प्रतिमा एक सवाल और पूछिए, आमतौर पर स्कूल पर सुरक्षा बहुत चाक चौबंद रहती है, रायन इंटरनेशनल स्कूल की जरा अभिभावकों से पूछिए आम दिनों पर कैसी सुरक्षा रहती है, पेरेंट्स अंदर जा पाते हैं क्या? अगर पेरेंट्स नहीं जा पाते तो एक शख्स चाकू लेकर अंदर कैसे चला गया, क्या कह रहे हैं ये लोग? जी आप इसे किसके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी किस क्या इंतजाम होते हैं, सही सही बताइए। जैसे अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को छोड़ने आया है, कहाँ तक जा पाता है? उम्मीद मर चुकी है, हम अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ, आप बच्चे को छोड़ने आते होंगे, किस तरीके की सिक्योरिटी इंतजाम? नहीं मैम, सिक्योरिटी तो ये काम थोड़ी होता है यहाँ पे, अगर ये वारदात को अंजाम नहीं देते, अगर सिक्योरिटी होती चाहिए यहाँ पे। आप अगर अपने बच्चे को छोड़ने आते हैं, कहाँ तक आपको छोड़ने दिया जाता है बच्चों को, कहाँ? हम गेट तक आगे आपको जाना लगा? बिल्कुल, अगर आप इसकी बाउंड्री देखो, चार तरफ 2-2 फुट 3-3 फुट बाउंड्री है, कोई भी आके कूद के वारदात कर सकता है, लेकिन प्रशासन कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा स्कूल तरफ। सिक्योरिटी को क्या आप लोगों ने पहले भी सवाल उठाया है प्रशासन को? कहा यहाँ पर सिक्योरिटी पहले भी एक दो केस हो चुके हैं, एक बच्चा यहाँ पर पानी में डूब के मरा, उसके बाद भी ये रिपीट होता जा रहा है, तो इसका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है यहाँ पर शिकायत तो करते होंगे ना सर, क्या शिकायत पर कभी कोई सुनवाई नहीं? नहीं, शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ, कोई सुनवाई नहीं होती है।
बीच में कार्रवाई हुई, यहाँ पे जनता कल से पड़ी है यहाँ पे भूखी प्यासी, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही यहाँ पे। टीचर मीटिंग इसलिए रखी जाती है कि कम से कम जो सुख दुख है बच्चे की जो हालत है, सारे सवाल उठाए जाते हैं उसमें, सारे सवाल उठाए जाते हैं। क्या जवाब मिल? अब मैम सारे सवाल ठीक है, हम करेंगे, हम आगे करेंगे, हम आगे करेंगे, सिंपल यही है इनका। कर देंगे मतलब यह आश्वासन, यहाँ आश्वासन मात्र मिल रहा है। अभिभावकों का कहना है कि छोड़ने आते हैं स्कूल तो पीछे जो आपको गेट दिखाई दे रहा है जिसको अभी सुरक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है, इस गेट से अंदर माता पिता की एंट्री बंद है, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं वो। तो सवाल ऐसे में उठना वाजिब है कि आखिरकार बस कंडक्टर अंदर कैसे घुस गया, उसको कैसे वहां जाने दिया, सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, उस वक्त कोई गार्ड यहाँ मौजूद था या नहीं था, ये तमाम सवाल यहाँ पेरेंट्स भी उठा रहे हैं। जी प्रतिमा, मैं आप देख पा रही हूँ आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर भीड़ थोड़ी सी कम हुई है, तो बहुत ज़्यादा जो जनता का गुस्सा था और एक जनसैलाब सा हमें दिख रहा था, क्या जो सोना रोड हाईवे को जाम करने की बात हो रही थी क्या उस तरफ भी अब काफ़ी लोग गए हैं? नेहा ऐसी खबरें आ रही हैं, कुछ लोगों ने हमें आके बताया कि माता पिता बच्चे के शव को लेकर सोना रोड पर आ रहे हैं और शायद वहां पर सड़क को जाम करने की कोशिश की जाए। ऐसे में हम भी अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कुछ हो भी रहा है या नहीं और वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ये जानने के लिए हम भी आगे बढ़ेंगे। नेहा जी प्रतिमा, आप बिल्कुल आगे बढ़िए और ये जानकारी जुटाइए। आप एक बड़ी बात कह रही हैं कि क्या माँ बाप अपने मासूम बच्चे के शव के साथ हाईवे पर जाएंगे, प्रतिमा इसे कंफर्म करने की कोशिश कर रही हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आघात है उस परिवार के लिए जिन्होंने अपने 7 साल के बच्चे को स्कूल की घोर लापरवाही के चलते खो दिया है। ये अब से कुछ वक्त पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें रायन इंटरनेशनल स्कूल साइबर सिटी का महंगे स्कूलों में से एक, इसका मेन गेट का ताला तोड़कर अभिभावक अंदर घुसने की कोशिश करते हुए, इनके मन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर स्कूल प्रशासन के मुंह से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा। आज देखिए कितनी ज्यादा सिक्योरिटी यहां पर लगी हुई है, स्कूल को बचाने के लिए सिक्योरिटी है, लेकिन स्कूल में जो मासूम बच्चे पढ़ने आते हैं जिनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी या तो उनके माता पिता की होती है या फिर स्कूल के टीचर्स की होती है, अगर वो बच्चे मारे जा रहे हैं तो उन्हें इंसाफ कौन देगा? मासूम प्रद्युमन को इंसाफ चाहिए और आज उसकी जो हत्या हुई है उसके इंसाफ के लिए आप देख सकते हैं ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। इन्हें अपने बच्चों की चिंता जरूर है लेकिन इसके साथ ही प्रद्युमन की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर ये मौजूद। बड़ा सवाल ये है खट्टर सरकार क्या कर रही है इस वक्त? मनोहर लाल खट्टर बलात्कारी राम रहीम को राम रहीम जी कहते हैं, हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा कहते हैं कि श्रद्धा पर धारा 144 नहीं लग सकती, ऐसे गलत काम करने वाले स्कूल पर क्या कोई धारा नहीं लगनी चाहिए? सीधा सवाल प्रदेश की सरकार से, ये एबीपी न्यूज से ज्यादा उन अभिभावकों का सवाल है खट्टर साहब जो इस वक्त रायन इंटरनेशनल स्कूल के गेट के बाहर मौजूद है। आप मसरूफियत में से थोड़ा सा वक्त निकालिए, आपके प्रदेश के अंदर माँ बाप बहुत चिंतित हैं, प्रद्युमन को आपसे इंसाफ चाहिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।